राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में विश्रुत मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दो कृतियों का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अनीता भटनागर जैन एवं सम्मानित अतिथि के रूप में डॉ. जगदीश गांधी शामिल हुए। इसके अलावा कई लेखक और साहित्यकार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इन दोनों पुस्तकों के नाम हैं स्मृतियाँ और उपासना, जिन्हें लेखिका रीता जैन द्वारा लिखा गया है। दोनों कृतियों में रीता जैन ने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को संजोया है। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार जैन, संस्थापक विश्रुत मेमोरियल ट्रस्ट, ने बताया कि हमारे ट्रस्ट के जरिए हम उन गरीब बच्चियों को पढ़ने में पूरी मदद करते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए पूरे साधन उपलब्ध नहीं है। हम अपने चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बच्चों का मानसिक विकास करते हैं ताकि वह समाज में एक उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम में साधना जग्गी, डॉक्टर महेश चंद द्विवेदी, श्रीमती अलका प्रमोद, दयानंद पांडे आदि कई सम्मानित गण उपस्थित रहे। इसमें विगत जीवन में मेरी पत्नी के जीवन में जो जो अनुभव आए, वो हमारे आसपास के लोग थे, उन्हीं की कहानियों का वर्णन है, उनके सचल जीवन की कहानियों का वर्णन है। और वो सब हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं। उसमें कुछ लोगों का निश्चल प्रेम है, कुछ लोगों के बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप के प्रति किए गए दुर्व्यवहार हैं, कुछ लोगों का अपने बच्चों को अपनाकर और अपने बच्चों के अलावा दूसरे लोगों को अपनाकर और उनके ऊपर किए गए उपकारों की कहानी है, और उन बच्चों ने फिर जो प्रतिदान दिए उनके उसके प्रति उनके विचार हैं। तो ये मेरी पत्नी ने अपने जीवन के हम लोगों के अनुभव के आधार पर रखा। प्रेरणा तो मेरा बेटा ही है और उसी की वजह से मैं लिख रही हूँ। और संदेश तो यही है कि कोई छोटा नहीं है, सब आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आपके सर्वेंट क्यों हो, और सबके प्रति समानता का भाव होना चाहिए। जो मैंने हमेशा से अपने बच्चों को भी सिखाया, हमारे घर में कभी भी किसी जेंडर भाव नहीं रहा, ना जाति का भेदभाव रहा है। शुरू से हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम को ही अपना विश्वत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो गरीब घर की लड़कियों की मदद करता है, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, और लड़कियां बहुत पढ़ने में उत्सुक होती हैं, उनको ये रहता है कि मुझे पढ़ना है और नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको विश्वत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। और ये कोर्स यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अप्रूवल है, और इससे पास किए हुए बच्चों का रजिस्ट्रेशन जिस तरह डॉक्टर्स का, नर्सेस का, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह से इनका रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की पढ़ाई आपके यहाँ की 5वें तक की पूरी हो। हमारा उस समय हजरत अंजलि स्कूल केवल 5वें तक था, तो मैंने कहा कि आपका बच्चा तो सेलेक्ट हो गया रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप, तो यही तो मैं पूछने आया कि सेलेक्ट तो हो गया है, क्या मैं उसे भेजूं? मैंने कहा इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि भारत सरकार उसकी पूरी पढ़ाई का पैसा देगी आगे। तब उन्होंने बात कही कि जो संस्कार आपके यहाँ मिल रहे हैं, क्या वो संस्कार वहाँ मिलेंगे? तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं कह सकता। तब उनके पिताजी ने एक ही जैन साहब निर्णय किया कि नहीं, हमारा बच्चा आपके यहाँ पढ़ेगा और हम उसे वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि तो हमारा इकलौता बेटा है, हमारे लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। हमें रुपया मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, उसकी ज़रूरत नहीं है।
चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।